रामायण की एक प्रमुख पात्र मंदोदरी दैत्य राज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। आज इस वीडियो में हम मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है अनसुलझे रहस्य। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि पूर्व जन्म में मंदोदरी का क्या रूप था और मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सबसे पहले जानते हैं मंदोदरी के पूर्व जन्म की कहानी। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वो भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती है और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप देती है कि वो 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वो अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वो श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मायासुर हेमा को मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनसे रावण बाद में विवाह करता है। आइए अब बात करते हैं रावण मंदोदरी विवाह के बारे में। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिससे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वो रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वो चल रहा है, उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वो उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ, तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ। आइए आज हम आपको बताएंगे। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यहाँ पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। ये भी जान लीजिए कि मंदोदरी विभीषण विवाह की विदंतियों पर आधारित है। कुहु ग्रंथों में ये भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ ही सती हो गई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी ऐसे अनोखे और अनसुलझे तथ्यों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनसुलझे रहस्य।